वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ शेयर के बारे में जिनके ऊपर रिसेंटली मेरे पास कमेंट आए थे। जैसा कि मैंने आपके सामने ओपन किया, इस शेयर का नाम है अलाइन डिजिटल सर्विस लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है 120 रुपीज़ 90 पैसे और इसकी जो डे की क्लोजिंग हुई है आज के टाइम में करीब 10% के आसपास डे हाई पे हुई है। जैसा कि आपके सामने रिटर्न वर्सेस एफडी बिल्कुल बेटर नहीं है, डिविडेंड कोई अच्छा खासा पे नहीं करता। फोरकास्ट की बात करते हैं तो फोरकास्ट पे किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट नहीं है जो उसमें बाय के लिए कह रहा। फाइनेंस की बात करते हैं दो, अब इसके है ना जो इंडस्ट्री का रिवेन्यू ग्रोथ रेट है लास्ट के 5 ईयर के अंदर करीब 8.33% जबकि सेक्टर के 8.86%, मतलब सेक्टर के अकॉर्डिंग इसकी ग्रोथ रेट है। अब जो इसकी नेट इनकम ग्रोथ रेट है काफ़ी बेटर है, करीब 35% है जबकि सेक्टर 7.29% है। इसका जो मार्केट शेयर ऑलमोस्ट स्टेबल है। 2018-19-20 की बात करते हैं, 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू 240 करोड़ था जो 2019 में बढ़ के 250 करोड़ हो गया, 2020 में 335 करोड़ और 2021 में 362 करोड़ रिवेन्यू इनका हर साल बढ़ रहा है। नेट इनकम की बात करते 2018 में नेट इनकम करीब 10 करोड़ के आसपास थी जो 2019 से बढ़ के करीब 12 करोड़ के आसपास होगी, 2020 में करीब 19 करोड़ और 2021 में हम देखते हैं इनका जो नेट इनकम थी ऑलमोस्ट सेम थी 2020 और 21 के फाइनेंशियल के अंदर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, करीब 53% होल्डिंग प्रमोटर के पास है और रिसेंटली प्रमोटर ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में शेयर का प्राइस भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है, DI की कोई होल्डिंग नहीं है और DI की होल्डिंग है पर ना के बराबर। FI ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग कम की है, बाकी जितनी भी होल्डिंग है रिटेल और अदर पार्टी के पास है। अब हम देखते हैं कि इसमें ना रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग कम की है। देखो कंपनी ग्रोथ करी, कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है तो इसलिए लॉन्ग टर्म अगर आप इसमें रखना चाहते हो तो प्रॉपर आपने इस पर फोकस करना है, तभी आपने रखना है। अब बात करते हैं इसके लेवल के ऊपर। जैसा कि आपके सामने है इसका अभी का प्राइस 109 रुपये आ रहा करीब 22 नवंबर के, पर आज का जैसे ये प्राइस है 120 रुपये है तो इसने अपना 120 रुपये का जो सपोर्ट है उसे ब्रेक कर दिया है। अगर शेयर आपके पास है तो आपने 115 रुपये के SL के साथ इसे ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आप न्यू बायर हो तो मेरे हिसाब से तब तक इसे बाय मत करना जब तक ये 128 रुपये के ऊपर 2 या 3 दिन सस्टेन नहीं होता, तब तक आपने बाय नहीं करना अगर आप न्यू बायर है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है इस शेयर के अंदर तो करीब अगर शेयर आपको 90 रुपये के आसपास मिलेगा तभी आपने इस शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो ये हमारे पे SL आ गया और अगर ये 128 रुपये के ऊपर सस्टेन होता है 2 या 3 दिन तो आने वाले टाइम में इसका टारगेट 140 रुपीज़ का टारगेट हमें आराम से मिल सकता है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है स्टार लाइन PS एंटरप्राइज लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है 52 रुपीज़ 50 पैसे और इसकी डे की क्लोजिंग हुई करीब 10% डे लो के आसपास। एक बार इसका लेवल देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर है रिटर्न वर्सेस FD बिल्कुल बेटर नहीं है, ना ही कोई डिविडेंड पे करता। फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस में ना इसके इंडस्ट्री की रिवेन्यू ग्रोथ रेट है लास्ट के 5 ईयर के अंदर करीब 16% माइनस में है और इसके जो इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ रेट है वो करीब 11% है। नेट इनकम की बात करते हैं लास्ट के 5 ईयर के अंदर वो करीब 16.27% जबकि सेक्टर के 10% है और मार्केट शेयर इसका डिक्रीज़ हुआ है 2018-19-20 और 21 फाइनेंशियल की बात करते हैं। 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू करीब 24 करोड़ था जो 2019 में घट के 13 करोड़, 2020 में 10 करोड़ पर 2021 के फाइनेंशियल में इनका रिवेन्यू बढ़ा है। नेट इनकम की बात करते हैं 2018 में नेट इनकम इनकी थी करीब 13 लाख जो 2019 में सिर्फ 6 लाख रह गई थी, पर 2020 में इन्हें 17 लाख का लॉस हुआ पर 2021 में इनका रिवेन्यू बढ़ा था और हम बात करेंगे इनका प्रॉफिट भी इनका बढ़ा था, करीब 17 लाख का इन्हें प्रॉफिट हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कंपनी कोई अच्छी खासी ग्रोथ नहीं दिखा रहा यहाँ पर कभी इनको। एक तो प्रॉफिट बहुत कम है और लास्ट टाइम 2020 के फाइनेंशियल में इनको लॉस भी हुआ था और रिवेन्यू की बात कर रहे हुए तो रिवेन्यू भी कोई इनका अच्छा खासा नहीं है, मतलब एक कॉन्स्टेंट ग्रोथ नहीं हो रही, कभी ग्रोथ बढ़ रही कभी डाउन हो रही, कंपनी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है फाइनेंस ईयर के अकॉर्डिंग। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर है ना जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है करीब 55% होल्डिंग प्रमोटर के पास है और उसमें से प्रमोटर ने करीब 50% होल्डिंग अपनी गिरवी रखी है और करंट टाइम में प्रमोटर के पास 4.97% होल्डिंग है। अगर आप और प्रमोटर देखो प्रमोटर अपनी सारी होल्डिंग गिरवी रख दी है, अगर आपके पास ये शेयर है तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी पीक आपको मिलता है आप इसमें अपना प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करके बाहर निकल जाओ क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म कुछ नहीं रखा और आने वाले टाइम ये हो जाए प्रमोटर ने होल्डिंग गिरवी रखी इसको भी वो निपटा देगा।
अब बात करते हैं इसके लेवल के ऊपर। जैसा कि अभी का जो प्राइस है एक अच्छी खासी गिरावट हुई है अभी के लिए। अगर हमारे पास एस एल आ रहा है करीब 50 रुपीज़ का एस एल आ रहा है, अगर इसने 50 रुपये के नीचे अपने डे की क्लोजिंग दी तो उसके बाद इसमें और भी ज़्यादा गिरावट आएगी। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो मेरे हिसाब से शेयर ठीक नहीं है, बाकी आप भी अपने एंड पे स्टडी करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।